जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, मोड़ाराम जी लखड़िया, कालूराम जी सोनल, सोनलाल जी लखानी, गोपालराम जी मेघवाल, के आर मेघवाल साहब, घनश्याम जी मेघवाल, श्रीमती गीता परवर्दी, श्रीमती गीता मेघवाल, संपत लाल जी मेघवाल और श्रीमती अरुणा बारूपाल जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सबके लिए गौर की बात है, मेघवाल महिला छात्रावास झालावाड़ का आखिर में शिलान्यास हो ही गया है। 2006 के अंदर अगर ये जमीन अलॉटमेंट की उस वक्त में हमारी, उसके बाद में ये अभी जो हीराराम जी मेघवाल साहब बता रहे थे किस प्रकार से इसको लंबा सफर तय करना पड़ा, सरकार बदल गई, माथुर कमीशन में चली गई फाइलें, उसके बाद में वापस उसको वहाँ से विड्रॉ किया गया, फिर इसका जो कीमत थी वो जितनी आपकी मांग थी उसके अनुरूप की गई, और आखिर में ये कब्जा भी 2012 में मिला जब हमारी गवर्नमेंट आई थी। पर अभी उसके बावजूद भी काफी लंबा अरसा हो गया, 12 में जमीन का कब्जा मिल जाए और मेघवाल समाज बहुत ही जागरूक समाज है, राजस्थान के अंदर समाज हमेशा से ही कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे तो सब जानते हैं, परंतु जिस रूप में हमेशा ये समाज के काम आगे आता है, तब भी बहुत वक्त लग गया, ज़्यादा वक्त लग गया, और अब जा कर के ये पट्टा जारी हो गया आपको 18 के अंदर भी, नक्शा पास कर दिया जो लिखा हुआ मेरे पास नोट में। तो मुझे खुशी है कि ये छात्रावास जो है 9 खंडों का एक विशाल छात्रावास बनने जा रहा है, जिसमें बताया गया 101 कमरे होंगे, उसके अंदर भी डॉर्मेंट्री होगी, और बाकी तो जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि क्या क्या इसमें सुविधाएं होगी, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार ये हॉस्टल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी आवश्यकता भी है, सरकार की मंशा भी है कि हम लोग शिक्षा में स्वास्थ्य में पूरी तरह से राजस्थान को आगे ले जाए देश के अंदर। इसलिए आप देख रहे हो कि हम लोगों ने एक तरफ शिक्षा के लिए गांव तक में अंग्रेजी स्कूल खोलना प्रारंभ कर दिया, अंग्रेजी स्कूल, और इतनी पॉपुलर हो रही है कि उसके लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही बच्चों के एडमिशन के लिए। आप कल्पना कीजिए कि समय बदल गया है, स्कूल अंग्रेजी, क्योंकि प्राइवेट स्कूलें इतना पैसा लेती है, 50 हज़ार 1 लाख रुपए, गरीब बच्चे नहीं दे सकते, गरीब परिवार नहीं दे सकते, तो हम लोगों ने करीब 1200 स्कूल खोलने का निर्णय किया है और बढ़ा भी सकते हैं। तो लॉटरी से अगर बच्चों का एडमिशन हो रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में ये पॉपुलर हो रही है, और बात फैक्ट भी है, ये बात मैं सब जगह कहता हूँ, आपको ही कहना चाहूँगा कि बचपन से हम लोग खिलाफ थे अंग्रेजी के, मैं खुद खिलाफ था जब हम पढ़ते थे, क्योंकि दक्षिण के अंदर जो राज्य हैं तमिलनाडु वगैरह वो हिंदी के खिलाफ थे, आंदोलन होते थे वहां पर, कोई बोर्ड लग गया हिंदी का तो जला दे देते थे। इधर उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजी का बोर्ड होता है उसको जला देते थे भाई, कि नहीं हम तो हिंदी के लोग हैं, अंग्रेजी क्या काम के। और बचपन में आप अगर अंग्रेजी नहीं सीखो तो बाद में आप भले अंग्रेजी पढ़ सकते हो या थोड़ी बहुत समझ सकते हो, पर ढंग से बोल नहीं सकते हो, एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेशन करने लायक नहीं बने बचपन से, काम चलो काम चला लेते हैं, पर अब जमाना बदल गया है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि 21st सेंचुरी में देश को ले जाना है, और कंप्यूटर मोबाइल फोन दुनिया मुट्ठी में हो गई है, पूरा ज्ञान आपका भरा पड़ा है, जो आपके पास टेलीफोन है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, उसके अंदर
पूरी दुनिया की जानकारी आप मिनटों में सेकंडों में ले सकते हो। ये क्रांति है दुनिया की, दुनिया में भी है, देश में भी है, हर व्यक्ति के साथ में है। अब अगर हम लोग खाली जो जाति के नाम पे हम समरण करें या जाति के नाम पे हम लोग कोई स्लोगन दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। अब तो वही जाति आगे बढ़ेगी, वही वर्ग आगे बढ़ेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा जो शिक्षा में अपने आप को आगे रखेगा। और अंग्रेजी का मैंने जब कहा, जिक्र किया आपको, तो आज अंग्रेजी अगर आप बच्चों को भेजते हैं पहली क्लास से ही, तो पहली क्लास का बच्चा, पहले से प्री प्राइमरी का बच्चा भी अगर पढ़ता है स्कूल में जाकर के अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने अनुभव किया कि बच्चों के साथ में छोटे बच्चे भी घर घर आकर के इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, और उनकी अभी से जब प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की, तो फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे वो बड़े होकर के, छात्र जीवन के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका, और वो कंपटीशन करने के अंदर पीछे नहीं रहेंगे। और इसलिए आज पैकेज मिलते हैं बच्चों को जो IT के कोर्स किए होते हैं, 1 लाख, 1 लाख या 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कोई कल्पना कर सकता है? तनख्वाह इतनी हो गई है देश दुनिया के अंदर। इसलिए सबसे ज्यादा शिक्षा में जोर देना आवश्यक है, और ये कदम आपने सही उठाया है कि बिना हॉस्टल निर्माण के, अगर बिना हॉस्टल के तो लड़के भी पढ़ नहीं सकते बेचारे शहर में आकर के। आप देख रहे हो कि आज़ादी के वक्त से ही जो स्कूल है जोधपुर में बनी है, इस सुमेर हायर सेकेंडरी स्कूल हो, जहाँ मैंने खुद ने पढ़ाई की है, या महेश स्कूल हो, या सजा स्कूल हो, या प्रताप स्कूल हो, उस वक्त के ज़माने में समाज के हिसाब से स्कूलें बनाई गई, और जो आगे चल रही है अच्छा प्रबंधन कर रही है। उसी रूप में ये छात्रावास जो बनेगा, उस जमाने के अंदर भी हॉस्टल बनते थे, तेजा हॉस्टल बन गया, या कौन कोई नाम से हॉस्टल बन जाते थे, और जिनके हॉस्टल बनते थे उनके गांव के बच्चे भी आके वहाँ रह जाते थे और पढ़ाई कर लेते थे। वरना कई बार शहरों में आके, पहली बात तो शहरों में आने के संकोच होता था बच्चों को, गांव के बच्चों को, पता नहीं उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो बहुत जमाना बदल गया है। उस जमाने में शहर में आते चमकते थे बच्चे, वो जमाना भी था 30-40 साल पहले। और जो गरीब परिवार है, शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, उनके लिए और बड़ी मुसीबत थी। आम नागरिक के बच्चे भी आने में संकोच करते थे, शहरों से चमक बैठी हुई थी। उस वक्त जो हॉस्टल मिल रहा है बच्चों को रहने के लिए, तो बहुत बड़ा एक उनको लगता है कि होमली फील करते हैं, कि हाँ मैं घर की तरह रह रहा हूँ और बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, और माँ बाप आगे कभी कभी संभाल लेते हैं। वो बात भी आपने देखी होगी कि किस रूप में उसकी शुरुआत हुई थी। अब तो जमाना बदल गया, अब तो हॉस्टल बन रहे हैं, और करीब 775 छात्रावास चल रहे हैं आज राजस्थान के अंदर, और 36,000 से ज्यादा बच्चों को सुविधा मिल रही है। हॉस्टल राजकीय भी है 600-700, और करीब 80 हॉस्टल्स आपके अनुदान वाले भी है, सरकार अनुदान देती है। बालिकाओं के भी 153 छात्रावास हैं, करीब 8-9 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर, उसमें अलग अलग जातियों के बच्चे भी हैं। तो जो ये आपने कहा जोधपुर के अंदर हब बन गया है, IIT आ गए, एम्स आ गया, एम्स जाने का मतलब मेडिकल कॉलेज भी साथ में वहाँ पर है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, IIT के साथ में, कृषि विश्वविद्यालय की बात की गई, शिक्षण संस्थाएं चाहे फिजियोथेरेपी की बात की गई हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज हमने खोला भी नया, तो एक प्रकार से जोधपुर में सारी सुविधाएं, अभी राजेंद्र सोलंकी जी कह रहे थे, सारी सुविधाएं वो है जो हिंदुस्तान में एक जगह, निफ्ट भी है, FDDI भी है, लंबी चौड़ी कहानी है जोधपुर की, इतनी संस्थाएं खुल गई है, फिर ब्रॉडगेज हम जुड़ गए, पानी आ गया,
इंदिरा गांधी कैनाल का, तो जमीनों के भाव बढ़ गए। जिस शहर में जिस गांव में पानी नहीं हो वहां पर पिछड़ापन रहना रहता है। जब पानी मिल जाए आपको, ब्रॉडगेज आ गई, हवाई सेवा ही जुड़ गया जोधपुर, जब मैं पहली बार एमपी बना तब जुड़ा था, तो उसके बाद में आप सोच सकते हो कि विकास की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए आज जोधपुर जो आज आधुनिक जोधपुर दिख रहा है उसके कारण ही। अभी भी कई प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे पावटा हॉस्पिटल के एक्सपेंशन का हो, और चाहे वो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं हम लोग, जैनान व्यास ऑडिटोरियम छोटा बनने लग गया, एक के बाद एक जो है लंबी फहरिस्त है। तो ये सब काम जो है आज भी जोधपुर में चल रहे हैं। इस रूप में आने वाले वक्त में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि अब 9 खंडों का बनेगा, 12.5 करोड़ तो आर की बात है, जब बनेगा तब ये पता नहीं 15 करोड़ का होगा, 20 करोड़ का होगा, कुछ पता नहीं किसी को भी, समझे आप। आपने क्या तो दिया कि 10 करोड़ दे दीजिए, 5 करोड़ दे दीजिए, हिराज ने तो 5 करोड़ कहा, आप लोगों ने 10 करोड़ की बात कर ली। परंतु ये हॉस्टल अगर मुझे इस प्रकार बुला के अगर शिलान्यास करवाएंगे और 10 10 करोड़ की मांग करेंगे तो मुझे भी जाना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार में कोई प्रोसेस होता है पैसे देने का भी। अब सीएम रिलीफ फंड से दो तो आप कुछ अंश दे सकते हो, परंतु तो ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल की पूरी कीमत ही दे, फिर तो गवर्नमेंट खुद ही हॉस्टल बना देगी, समाज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये समाज आगे आए, समाज का मतलब कोई 15 20 ठेकेदार नहीं, गांव गांव में जो हमारे कार्यकर्ता है, परिवार है, चाहे 5 रुपये लो, चाहे 100 रुपये लो, चाहे 1000 रुपये लो, उनको लगेगा हाँ ये शानदार जो हॉस्टल बन रहा है उसमें हमारी भागीदारी है, समाज के मतलब ये होता है। तब जाके समाज की खुशबू साथ चलती है उस हॉस्टल के, और जो पैसा देगा गांव में आपको बच्चियों के लिए हॉस्टल के लिए, वो बच्चियों को भेजने के लिए भी उत्साह होगा उनके अंदर, हाँ हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया हॉस्टल के अंदर, हमारी बच्ची आगे रहेगी जहाँ मैंने 5000 रुपये दिए, 25000 रुपये दिए। तो ये समाज की रीति रिवाज की बात है कि समाज सब मिलकर के बनाए, उसी से आपका हॉस्टल भी कामयाब होगा। हॉस्टल बच्चे वो आएगी जिनके परिवार के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया वो भी आएंगी, और जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं वो भी आएंगी। इस प्रकार एक शानदार हॉस्टल बनेगा सरकार की तरफ से। इतने में कह सकता हूँ कि जो CSR फंड होते हैं आजकल कंपनियों के, उससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको अधिक से अधिक मैं मदद कर रहा हूँ, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। इनकी ड्यूटी है कि कोऑर्डिनेट करेंगे मेरे साथ में, जूली साहब के साथ में, गोविंदानी मेघवाल साहब, आज साहब ने उनको कहा ही नहीं होगा, आपके मेघवाल समाज के दो दो कैबिनेट मंत्री बने 75 साल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। 75 साल में पहली बार 4 कैबिनेट मंत्री बने एससी के, 2 मेघवाल बने हैं, गोविंदा मेघवाल और जूली साहब, तो ये तो पहली बार ही हुआ है। बिल्कुल पहली बार हुआ, आपका आशीर्वाद है सर। और कोई कमी नहीं रहेगी, आप निश्चिंत रहो। आप थोड़ा इसमें लग जाएंगे तो पैसा कमी नहीं आती है, पैसे कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। समाज देगा, चाहे कोई इंडस्ट्री वाले देंगे, चाहे सरकार का कुछ कंट्रीब्यूट होगा आपको, कोई कोई तरीका निकल गया, पैसा ही पूरा इकट्ठा होगा, हॉस्टल बनेगा। और प्लानिंग आप करो, ये कभी आपने लंबे अरसे बाद में आपने 1 खंड शुरू किया 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, वो नहीं चलेगा। आप 9 खंड जो आपके हैं, 9 खंड की स्कीम एक साथ बनाओ, जिसके समय वो पूरा हो जाए तो उसकी एस्केलेशन नहीं हो, भाव नहीं बढ़े, वरना महंगे का जमाना बढ़ता बढ़ता 25 20 करोड़ का जाएगा, तो फिर आप कहो कि आधा अधूरा ही पड़ा हुआ, 1 खंड बन गया, 2 खंड बन गए, अधूरा रह गया। जब इतनी बड़ी योजना बना ली आपने 9 खंड वाली, तो इसमें आप सक्षम हो। आप सक्षम मतलब कि आप अगर कोशिश करेंगे तो कहीं कहीं रास्ता निकल जाएगा, और मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, निश्चिंत हूँ।
और ये काम जो आपने हाथ में लिया, ये काम पूरे 9 खंडों का, आपका जो आर्किटेक्ट है उसने अच्छा नक्शा बनाया मेरे ख्याल से, और जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे उसने इम्प्रेस किया। मैं समझता हूँ आर्किटेक्ट साहब को कहो कि यार इसको काम को हमें टाइम पे पूरा करना है, 1 खंड नहीं आपके 9 खंड का काम भी करीब करीब साथ साथ चले और बिल्कुल 2 साल में ये पूरा हो जाए। सरकार के 23 में चुनाव है, उसके पहले पहले हॉस्टल बने तब तो मजेदारी है। और आप जो MLA बने हो अब नरपतराम बरबर साहब के साथ, बाद में तो आप ही बने हो जोधपुर में, जी नरपतराम जी बरबर साहब को हमने रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, आपको याद ही है, वो भी सर इतिहास की बात थी। आजादी के बाद पहली बार कोई चंडीगढ़ से व्यक्ति रेवेन्यू मिनिस्टर बना था, बिल्कुल सर पर इसलिए आपने तो मेरी बहुत तारीफ कर दी कि मैंने क्या क्या आपके लिए किया। वो तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे मालूम है कि हम लोग समाज से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, कहने की तो बहुत सारी बातें। देखो ये हॉस्टल बनने हो, सुविधाएं देनी हो, स्कूल खोलने हो, बहुत बड़ी बात होती है। भारत सेवा संस्थान जो पावटा में चल रहा है वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर दी। आप कल्पना कीजिए कि 100-150 बच्चे वहाँ बैठते, खाली उनके लिए चाय का प्रबंध कर दिया हम लोगों ने, 15-20 AC लगा दिए, पानी चाय और AC सुविधा, बैठने की कुर्सियाँ। उसके कारण जो वहाँ बच्चे RS में RPS में आ रहे हैं, कंपटीशन में पास हो रहे हैं, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, घर में माहौल नहीं होता पढ़ने का, घर में जगह नहीं होती पढ़ने की, मोहल्ले में और बच्चे खेलते हैं तो डिस्टरबेंस होता अंदर, और अगर बच्चे वहाँ आ गए तो दूसरे बच्चे जो आएंगे दूसरी कम्युनिटी के हों, कोई छत्तीसी कौम के हों, आप पर मिलेंगे जुलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, माहौल मिलता पढ़ने का उनको, और उसी से आपस में एक दूसरे सेव करते हैं, उससे वो लोग कॉन्फिडेंस से फिर एग्जाम देते हैं, पास होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये कि खाली बैठने की सुविधा करने मात्र से ही इतना बड़ा काम होने लग गया। और जो कोचिंग क्लासे करते हैं, जब 1,000 रुपये लेते हैं फीस के, वहाँ भी वो बैठाते हैं खाली खाली, वहाँ पर लेक्चर आते हैं पढ़ाने के लिए, ये कोचिंग क्लास नहीं है, खाली बैठने सुविधा है। और मेरे ख्याल से जसवंत सिंह जी बैठे और नरपत सिंह जी, ये लोग कुछ कभी कभी बुलाते होंगे किसी लेक्चर को, अगर सुविधा हो गई तो कैजुअली, उसी से काम चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शिक्षा में हमें जोर देना बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हमें सिखाया क्या उस जमाने के अंदर, आज़ादी के पहले जिस व्यक्ति ने जो भुगता अपने परिवार के अंदर, जो भुगता समाज के अंदर, कोई कल्पना कर सकता है उस वक्त? और आज भी क्या स्थिति है गाँव के अंदर, आज भी क्या स्थिति हम देखते हैं कि आज छुआछूत को मैं बार बार कहता हूँ कि मानवता पर कलंक है कि एक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य छुआछूत रखे, ये मानवता पर कलंक नहीं तो क्या है? आप सोच सकते हो कि ये कलंक तभी हटेगा तब हम शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल, आजकल वो जमाना ही आ गया है कि नॉलेज बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं उनको आगे आना पड़ेगा, वो आगे आएंगे तभी जाकर के ये इसको आप कर पाओगे और समाज को आगे बढ़ा पाओगे। और क्योंकि IT का जमाना है इसलिए और तेज गति से समाज आगे बढ़ सकता है, पूरा आजकल तो DBT और स्कॉलरशिप बढ़ती जा रही है, और हमने युवाओं के लिए स्कीमें भी कई लाए हैं हम लोग, अभी तो टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं, पर आपको मालूम होगा और मालूम कर लीजिए, आप तो MLA भी हैं, कि किस प्रकार से अपन कहते हैं कि उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज दिया डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से SC ST को, इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% घटा दी उसके अंदर, SC ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाया चलाने का कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि वो इसकी डेवलपमेंट भी कर सके वहाँ पर, 5% ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक, 15% कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। मतलब स्कीमें कई तरह की है, अब इसमें किस प्रकार हम उसकी ज्ञान
प्राप्त करके उसका फायदा दिलवाए उस गरीब तक, गांव तक पहुंचती नहीं है। हमने कई स्कीम बनाते हैं तो गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी छिन्न जी योजना है, 5 लाख तक का बीमा कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हर परिवार का अमीर है या गरीब है, अभी तो चल रहा, ठीक चल रहा है चिरंजीवी योजना, एक भी परिवार छूटे नहीं। अगर 860 रुपये 50 रुपये देने की स्थिति किसी की नहीं है, हालांकि हर एक की होती है, पर मान लो किसी किसी की नहीं है, आप इंतजाम कर दीजिए, अपने दोस्तों ने कर दीजिए, आप खुद दे दीजिए, मुझे कह दीजिए मैं दे दूंगा, पर एक परिवार भी छूटना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए जिससे कि वो प्राइवेट में और पब्लिक में जाकर के सरकारी अस्पताल में जाकर के इलाज फ्री करवा सके। ये इस प्रकार से हमें मतलब ये सब काम करने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं समझता हूँ कि कर पाएंगे जो भी करना है। क्योंकि मैं रोज देखता हूँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कल भी कोई मंदिर वाला बेड़ा पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई एयरफोर्स की गाड़ी से बच्चा, वो भर्ती है अभी तक भी, उसका भी इलाज चेंज योजना में हो रहा है। बड़ा काम बेचारे 1-2 लाख रुपये खर्च करते फिर वो लोग, तो कहने का मतलब ऐसे किस्से कहने सैकड़ों आने लग गए कि आज 6 लाख लोगों ने ज़्यादा फायदा उठा लिया। उन लोगों ने ये चीनी योजना से 6,75,000 लोगों ने फायदा उठा लिया, तो आज करोड़ों रुपये का फ्री में इलाज हो रहा है। बताइए आप, करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा हम दे रहे हैं प्रीमियम उसका, 3,000 करोड़ से ज़्यादा, कि गरीब सबका, गरीब हो अमीर हो सबका बीमा हो गया। तो ये तमाम बातें मैंने आपको कही, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया आपको कि किस प्रकार से बंद किया, आपने खुद ने कहा कि आज उसको वापस शुरू किया हमने। हमें तो आश्चर्य होता है हिंदुस्तान के इतिहास में कोई यूनिवर्सिटी एक्ट बनता है असेंबली के अंदर, एक्ट बनने के बाद में जो यूनिवर्सिटी बनती है वो कभी बंद होती नहीं है। पहली बार वसुंधरा जी ने 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी पत्रकारिता की और डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। बताइए आप, जो ये संविधान निर्माता है उनके नाम यूनिवर्सिटी, नाम भी उनका था, पर फिर बंद कर दिया। इसलिए बातें तो कहे इतनी कम है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेघवा समार आगे आके दलित वर्ग जितना भी है उन सबको कोऑर्डिनेट वो करे, जो समार आगेवान होता है उसकी ड्यूटी होती है दूसरे अपने भाइयों को भी साथ ले, उनकी मदद करे जिनको जरूरत है मदद की आपकी, ये भावना होनी चाहिए। और ओबीसी के लोगों में भावना होनी चाहिए कि वो SC ST लोगों को साथ लेकर चले, जनरल कार्य लोगों की भावना होनी चाहिए कि वो ओबीसी को भी SC को भी ST को भी साथ लेकर चले। तो ये भावना हम सब रखेंगे तब जाकर के मैं समझता हूँ कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो तनाव और जो माहौल बन गया हिंसा का वो बहुत ही खतरनाक है। हम सबको भाईचारे से, प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भावना से रहना पड़ेगा, सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हमने सरकार में तो शांति व अहिंसा का विभाग खोल दिया, अभी तो निदेशालय है, विभाग बन जाएगा। आप सोच सकते हो कि राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने एक नया विभाग खोला है। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि सब तरह से आपको पूरी इमदाद मिले और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ सकें। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका, बहुत ही आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हरलाल जी आपके सानिध्य से बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठी हुई है कुंती जी, गीता बैठी हुई, सब बैठे हुए हैं। मेरे तो आना नहीं हुआ, मैं अच्छा लगता कि मैं वहाँ आके प्रोग्राम करके मैं खुद इसका शिलान्यास करता और ज़्यादा खुशी मुझे होती। पर ये 2 साल ऐसे निकले जिंदगी के कि जिसमें 2 बार तो मुझे कोरोना हो गया है, और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि कोरोना को आप इजी मत लो। ये दूसरा जो मृत्यु दर तो बहुत कम है, दूसरी लहर में बहुत मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, तो लोग लापरवाह हो गए हैं। आप तो सब लोग बैठे हुए हैं गीता की छोड़ के, मास्क लगाए हुए, पर बाकी जो लोग हैं मास्क लगाएं, ध्यान रखें, क्योंकि ये ओमिक्रॉन भी जो है ये भी मृत्यु दर नहीं हो रही है क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है हमारे, आप 94% वैक्सीनेशन हो गया राजस्थान के अंदर। परंतु ये भी पता नहीं, जैसे मुझे हार्ट का हुआ था
डेढ़ साल होने के बाद में हार की पम हो गई। जो आपका ये कोरोना के बाद में किसी को हार्ट का, किसी को लंग्स का, किसी को किडनी का, किसी को अस्थमा, किसी के पैरालिटिक अटैक हो जाता है, पूरी तरह की सब तरह की खबरें पूरे देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है। तो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये पता नहीं पोस्ट कोविड ये ओमिक्रॉन आपको कैसा रखेगा, वो तो आने वाले वक्त बताएगा। पर ये भी मैं कह सकता हूँ अनुभव के साथ में, मुझे भी ओमिक्रॉन हुआ था सेकेंड टाइम, अभी हो गया, अभी तक मुझे तकलीफ हो रही है, और मुझे नहीं हो रही है, जितने मेरे यहाँ पे बातचीत होती है आपस के अंदर, सबको को उनको होती रहती है, खांसी हो जाती है, बलगम आता है, सांस भरता है, कई प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई बीमारी हो, ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा हो, क्योंकि हम बच गए हैं। अब मैं ये वैक्सीन लगने के कारण से वो इम्पैक्ट नहीं, जो कि हो सकता है अमेरिका के अंदर सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, अमेरिका जैसे विकसित मुल्क में अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों से, हिंदुस्तान में अस्पताल खाली है, क्योंकि वैक्सीन अच्छा हुआ हमारे यहाँ। वहाँ 25 मिनट लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाया, विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भी वैक्सीन का विरोध करते हैं वो लोग सड़कों में आकर के। कई कई हर राज्य की, देश की, जर्मनी की अलग स्थिति है, इटली की अलग है, यूके की अलग है, इसराइल की अलग है, रशिया की अलग है, और चाइना का तो मालूम नहीं पड़ता वहाँ क्या होता। तो कहने का मतलब ये कि आप इसको सबको समझाओ कि अभी भी जोधपुर, जयपुर सबसे ज़्यादा संख्या में बढ़ने वाला ओमिक्रॉन है, जहाँ संख्या जोधपुर, जयपुर, उदयपुर तीन जगह पर, और भी सब जगह फैल गया है, इसलिए इसका भी आप ध्यान रखें। और अच्छा लगता, मैं वहाँ आता तो ठीक होता, पर क्योंकि मैंने कहा चलो इसी बहाने एक प्रोग्राम तो हो ही होगा, मेरे साथ में काम भी शुरू हो जाए। अब आप मुझसे शिलान्यास करवा दिया, शिलान्यास जी, अब आपने इस काम को टॉप प्रायोरिटी दो, आप इस काम को बिल्कुल सर, आपके पीछे भी पूरा परिवार, बाकी के जो है वो करना ही है। आपको तो करना ही करना है सर, ताकि अभी तो हमारा मैं हौसला आपको, बुलंद अभी हो। मैंने एक प्रोग्राम किया तो कौन सा बांटा दिए जाटव, जाटव होटल जयपुर का सुना अभी मार्च जाटव समाज का हॉस्टल का शिलान्यास हुआ था जयपुर में सर। अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने 5 लाख रुपए उनको दिए थे सिम्बोलिक। जी तो सर, अभी मैं आपके 5 लाख ही तो मैं घोषणा कर रहा हूँ सी एम एल फंड से। वो तो जी सर, क्या है सी एम एल फंड, तो गरीबों के लिए कोई एक्सीडेंट हो गया कर गया छोटा मोटा काम आता है उसके लिए। जी पर सर, आपके बाकी जो है, जी सर, बाकी मैंने आपको कहा आप प्लानिंग करो पूरे 12.5 करोड़ की, मैं आपके साथ हूँ, आपको ठीक 6,000 दिलवाएंगे, गवर्नमेंट दिलवाएंगे, कोई कोई रास्ता निकालेंगे जिससे है हॉस्टल सर, पूरा हो जाए। तो हॉस्टल बनना चाहिए, आप दिमाग में रखो, हाँ ठीक है, हॉस्टल बनना चाहिए, टाइम बाउंड बनना चाहिए, हम लोग सब मिलके बनाएंगे इसको, ठीक है। अशोक जी बहुत बहुत गहलोत, बधाई है, अशोक शुक्रिया। जी गहलोत जिंदाबाद। सोनलाल लखानी अध्यक्ष आपके राजस्थान में एक बार समाज के, और आप सभी को, साथियों को जो बैठे हैं अलग अलग जगहों पर, मुझे बताया गया कि गोपालगढ़ में भी और हाँ सब जगह चौतन बैठे, में पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आपके साथी, हाँ सर मुझे बैठे, अच्छा हाँ लगा सबसे बातचीत, जो जश्न में बैठे हुए हैं, सर, तो सब लोग मिलके आज आपने बड़ा काम हाथ में लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, आपने आशीर्वचन देकर, हौसला अफजाई करके हमारे में एक नई ऊर्जा का संचार किया है।